प्रेम का इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त योग बना हुआ है। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना आपके लिए लाभप्रद स्थितियां लेकर के आए। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि का मासिक राशि फल फरवरी 2023 को लेकर के। संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनेगी, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के मामले में कैसी स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों की फरवरी की रहेगी, कौन सी तारीखें फरवरी की शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस मासिक राशि फल के कार्यक्रम में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बन रही है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगलदेव है, वृषभ राशि के अंतर्गत सातवें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु मेष राशि के अंतर्गत छठे भाव में स्थित है। शुक्र और शनिदेव कुंभ राशि में फोर्थ हाउस चौथे भाव में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंतर्गत पांचवें भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मकर राशि में स्थित है पराक्रम के भाव में थर्ड हाउस में, और बुधदेव धनु राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव कुटुंब के भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित है, जिसको हम व्यय भाव कहते हैं, खर्च का भाव। और चंद्रमा की बात हम अंत में करने वाले हैं। एक इसी ग्रह गोचर स्थिति में तीन ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो कौन कौन से वो बदलाव हैं उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहला बदलाव होगा बुधदेव में। 7 फरवरी को बुधदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य शुक्र शनि तीन ग्रहों की युति आपके लिए चौथे भाव में बनेगी। और 15 फरवरी को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, शुक्रदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि के अंतर्गत पांचवें भाव में आकर के स्थित होंगे। ये आपकी संपूर्ण फरवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति है। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, सतर्कता सावधानी अवश्य बरतिएगा। राशि स्वामी मंगलदेव सातवें भाव में स्थित है, मंगलिक योग बना हुआ है, शनि की ढैया आप पर प्रारंभ है, तो निश्चित ही कुछ मामलों में आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। ड्राइव इत्यादि करते हैं तो सतर्क सावधान रहिएगा। वैसे स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देखने को मिलेगा, और मानसिक रूप से तनाव या चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। आपको चाहिए कि ध्यान मेडिटेशन का सहारा जरूर लीजिएगा, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दीजिएगा और संयमता से कार्य करिएगा। निश्चित ही कुछ चिड़चिड़ापन कुछ तनाव आपका जरूर कम होगा और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तनाव करने से जरूर बचिएगा। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंतित रह सकते हैं, इसलिए इस बात को लेकर के भी आपको पहले से ही सतर्क सावधान रहना होगा। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें नौकरी व्यवसाय की, तो 10वां भाव हमारी जन्म पत्रिका के अंदर कर्म भाव होता है, हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कर्म भाव होता है, और 10वें भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके लिए बनते हैं, जो कि प्रथम दो सप्ताह मकर राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव में रहेंगे, उसके उपरांत फोर्थ हाउस में आएंगे, अपने ही घर को देखेंगे, लेकिन यहां पर शनि की शत्रुगत दृष्टि भी है और प्रथम दो सप्ताह शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। मिला जुला परिणाम आपको इस माह प्राप्त होगा। जब तक सूर्यदेव पराक्रम भाव में होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, बड़ा चढ़ा आत्मविश्वास रहेगा, कार्य क्षेत्र के प्रति सजग रहेंगे। जैसे ही सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यदि आप अपने सीनियर्स के साथ वाद विवाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अचानक से कुछ बदलाव भी आपके साथ हो सकते हैं फरवरी के माह में। स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर इत्यादि भी आपका हो सकता है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
जल्दबाजी करने से बचेगा, चिड़चिड़ेपन से बचेगा, गुस्से से बचेगा। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जो जातक भूमि भवन इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ हद तक लाभ देखने को मिलेगा। बात आपकी आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं, जो कि प्रथम सप्ताह धन भाव में स्थित रहेंगे। धनु राशि के अंतर्गत शेष तीन सप्ताह मकर राशि में स्थित होंगे पराक्रम के भाव में, और आय का जो भाव है उसमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है फरवरी के माह में, लेकिन आय के मामले में भी कुछ हद तक आपको लाभप्रद स्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि संभव हो तो प्रतिदिन मां लक्ष्मी का श्री सूक्त पाठ करना न भूलेगा, प्रतिदिन मां लक्ष्मी के आगे श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। और यदि श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी मंदिर जाकर के हर शुक्रवार को गुलाब के पुष्प व कुछ न कुछ भोग उन्हें अर्पण अवश्य करिएगा, निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम इत्यादि की बात करें तो प्रेम का इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त योग बना हुआ है। पंचम भाव में गुरु और शुक्र स्थित है, निश्चित ही अच्छी स्थिति प्रेम संबंधों में बनी हुई है, कुछ ना कुछ सकारात्मक स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी फरवरी का माह विशेष लाभप्रद रहेगा। इस फरवरी के माह में ध्यान रखिएगा, गुप्त शत्रुओं से विशेष बचाव रखना है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोधी स्वभाव से जरूर बचना है, चिड़चिड़े होने से बचना है। और नौकरी के क्षेत्र में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद को करने से आपको बचना है। बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक स्थितियां भी खड़ी कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में एक माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबको ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार का कलह क्लेश हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति अत्यधिक रहती है। तो कौन कौन सी ऐसी तिथियां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीख। तो तारीख 4, 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 26 और 27 फरवरी वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ तारीखें देखने को मिलेंगे, निश्चित 3 तारीखों का लाभ आप अवश्य लीजिएगा। वहीं 1, 2, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 24 और 25 फरवरी को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा, शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं, ऑफिशियल नंबर हैं 8826810020, 8860782753, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।